पर चले हैं बेनकाब। कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाती है। वैसे ये बेटियां सड़कों में बैठी है तो सरकार को सोचना चाहिए, ये भी तो किसी की बेटियां हैं। 4000 में बिजली का बिल तक नहीं भरा जाता, महंगाई बढ़ रही है तो मांग दे क्यों नहीं बढ़ रहा, ये सवाल सरकार के सामने हमारा है। हमारे के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। आशा वर्करों ने किया जेल भरो आंदोलन का आगाज। जी हाँ, आज पूरे हरियाणा भर में आशा वर्करों ने जेल भरो आंदोलन का आगाज किया है। इस आंदोलन में आज आशा वर्करों ने सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें आज आशा वर्करों के इस आंदोलन को पूरे 49 दिन हो जाते हैं, लेकिन सरकार से इनकी अभी तक कोई भी बात नहीं हो पाई है, जिसके चलते आज तमाम आशा वर्कर जेल भरो आंदोलन में शामिल हो चुकी है। और अब आप देख सकते हैं कि तमाम आशा वर्कर बसों में अपनी गिरफ्तारी देती हुई नजर आ रही है। हमारी मांगे पूरी नहीं करेगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। 26000 वेतन लागू किया जाए, कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, हमारा पीएफ वगैरह सब लागू किया जाए। हमारा आंदोलन कामयाब, आंदोलन कामयाब। आज पूरे आंदोलन कामयाब, अपनी गिरफ्तारियां दी है। आंदोलन कामयाब, हमारी मांगे नहीं पूरी करता तब तक आंदोलन कामयाब। जेल चले हैं छब्बीस हजार रूपए थे तो सरकार हमारे से बात नहीं करना चाहती बिल्कुल भी। और वैसे कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाती है। वैसे ये बेटियां सड़कों में बैठी है तो सरकार को सोचना चाहिए, ये भी तो किसी की बेटियां हैं। तो इनको तो हम मान दे दे तो 4000 में क्या होता, 4000 में तो कुछ भी करो गुजारा भी नहीं होता। हमारे 26000 रूपए वेतन है। आज जेल में आंदोलन का मैंने ऐलान किया था, आज जेल में आंदोलन है तो ये जेल में लेके जाएंगे हमारे को। आज हाँ जी, सारे हरियाणा में जेल में आंदोलन है, सारे हरियाणा सरकार जैसे हमारे हरियाणा में क्या जा रहा है, दे रही खाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। फिर जो ये सरकार है ये कहना चाह रही है भाई बेटी बचाओ का नारा है, झूठ का नारा है। ये जेल में भरने काम कर रही है सरकार, सरकार हमें के लिए नहीं दे रही, हमारी रोजी रोटी के लाने पड़ रहे हैं। हम अपने पेट के लिए जा रही है, 4000 में कुछ नहीं होता, क्योंकि सरकार हमारा वेतन भत्ते में बढ़ोतरी नहीं कर रही, इसलिए हम जेल में जा रहे हैं। हमारे बच्चे हैं वहाँ पर, कम से कम रोटी तो मिल जाएगी, इसीलिए हम जेल में जा रहे हैं। उसको लागू करे सरकार, 2018 में जो मानदेय बढ़ाया था उसके बाद आशा वर्कर का 4000 रूपए मानदेय पे काम कर दिया आशा वर्कर, लेकिन सरकार नहीं बढ़ा रही, महंगाई बढ़ रही है। जब महंगाई बढ़ रही है तो मानदेय क्यों नहीं बढ़ रहा, ये सवाल सरकार के सामने हमारा है। बिल्कुल, हम आपके माध्यम से भी प्रशासन के माध्यम से भी कहना चाहते हैं, जब तक बातचीत नहीं करेगी सरकार जब तक हम यहाँ करनाल के दरवाजे पे बैठे रहेंगे। ये 49वां दिन है और पूरे प्रदेश के आशा वर्कर बिल्कुल दुखी आ चुके हैं सरकार से। आज मन बना के आई है कि हमने असलियत में जेल में जाना है, क्योंकि आप जागरूक पत्रकार हो, आपको पता होना चाहिए कि वाक्य में 4000 में बिजली का बिल तक नहीं भरा जाता। और हमने ये मन बनाया पूरे प्रदेश के आशा वर्कर ने, कम से कम जेल में जाएंगी तो दो वक्त की कम से कम रोटी तो मिलेगी, इस 4000 में होने वाला क्या है। इसलिए पूरे प्रदेश में आज आशा वर्कर जेल में जाने के लिए तो आप देख सकते हैं कि जो आशा वर्कर है वो अपनी गिरफ्तारी देती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि पूरे हरियाणा में आशा वर्करों ने जेल भरो आंदोलन का आज आगाज किया है। और आपको बता दें कि हजारों की संख्या में जो आशा वर्कर है इस आंदोलन में शामिल हो चुकी है। और आपको एक बार और बता दें कि जो ये आशा वर्कर है इनका कहना है कि हमारे से जो है काम डबल लिया जाता है लेकिन तनख्वाह कुछ भी नहीं दी जाती है, जिसके चलते ये काफी समय से प्रदर्शन करते हैं, कैंडल मार्च भी निकालते हैं और सीएम आवास का घेराव भी करते हैं, लेकिन इनकी बात जो है सीएम साहब से बिल्कुल भी नहीं हो रही है, जिसके चलते जो है आज जेल भरो आंदोलन की इन्होंने शुरुआत की है। और आपको बता दें किस तरह से अपनी गिरफ्तारी देते हुई नजर आ रही है। तो वीडियो के साथ शेयर जरूर करते रहिए। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।